मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो मेरे कार्य थे वो सार्थक रहे, इनका जो लाभ ग्रामीणों को मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा उस कार्यक्रम के बारे में बताया जिसमें आपको ये पुरस्कृत किया गया। ये विशेष रूप से जो समाज सेवा के में जुड़े हुए हैं लोग और जो भारत सरकार राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं उन लोगों को दिया जाता है ये पुरस्कार। पूरे भारत के 29 राज्यों के स्टूडेंट आते हैं जिसमें NSS, NY के, NCC से लेकर जितने भी भारत के प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं रहते हैं, लगभग 6000 छात्र छात्राएं रहते हैं। भारत के चुनिंदा जो समाज सेवी हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर चुके हैं वो लोग आते हैं। अच्छा, समाज सेवा के क्षेत्र में आपको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो कितने अरसे से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और क्या क्या विशेष आपने किया है इसमें? जी, विशेष रूप से तो मैं 16 वर्ष की आयु से कार्य कर रहा हूँ। शुरू शुरू में तो थोड़ा छुटमुट कार्य प्रारंभ हुए थे, जैसे पल्स पोलियो योजना, रक्तदान, इनमें। फिर मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना NSS ज्वाइन की और एक हम लोग यूथ NGO चला रहे हैं। विशेष रूप से हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो योजनाएं पहुंच नहीं पा रही, 30% लोगों को फायदा हो रहा था, 70% लोग छूट रहे थे। तो हमने ये कुछ जिले, कुछ ग्राम हमने गोद लिए और वहाँ ये योजनाओं का क्रियान्वयन चालू किया, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, इसमें जो शाला त्यागी बच्चे हैं तो हमने उन बच्चों को स्कूल पुनः भिजवाना, जो लोग साक्षर नहीं उनको साक्षर करना, मलेरिया रोधी उन्मूलन अभियान, रक्तदान, विशेष रूप से एड्स पे जन जागरूकता अभियान चलाना, इस टाइप के प्रोग्राम हमने चालू। तो इस तरीके के कार्यों में जाहिर है कि थोड़ी सी मेहनत लगती है, कैसा रिस्पांस मिलता है जब आप इस प्रकार के काम करते हैं? बहुत कठिन है ग्रामीण क्षेत्रों में, एक तो उनका विश्वास लेना, ये एक दो दिन का काम नहीं है, जब आप लगातार एक दो महीने जाते हैं जब जाके वो लोग आपसे जुड़ते हैं। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में वो लोग हमसे आना मिलना पसंद नहीं करते हैं, डरते हैं, एक भय है, इसको तोड़ना पड़ा, उनको लगा कि ये हमारे वास्तव में ये हमारे भले के लिए करते हैं, हमारे बच्चों के लिए करते हैं और इनसे हमको फायदा है, तो जब जाके वो लोग हमसे जुड़े। कुछ अपनी और उपलब्धियों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए इससे पहले जो आपको मिली हूं। मैंने अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यशाला जो पुणे में लगी थी उसका संचालन किया है, जिसमें 32 देश के लोग आए थे और मैंने 800 लोगों के नेत्रदान घोषणा पत्र भरवाए हैं अभी तक। दूसरा, समग्र स्वच्छता अभियान भारत सरकार की योजना है, उसमें मध्य प्रदेश में अभी तक 12 निर्मल ग्राम पुरस्कार मिले हैं। मध्य प्रदेश के एड्स कंट्रोल बोर्ड का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ, रेड रिबन क्लब का। हमने पूरे मध्य प्रदेश के 45 जिलों में योग शिक्षा भी जोड़ा है, जो ये भारत में एकमात्र जगह जो स्टेट में हो रहा है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। किशोर अवस्था प्रोग्राम चला रहे हैं, भारत सरकार का जो महत्वपूर्ण सूचना का अधिकार है उसके लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े तो उस संबंध में आपका क्या कहना है? भारत की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं जन कल्याण की, उसमें भागीदारी दीजिए, उसमें महत्व लीजिए। वास्तव में देश को विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में लाना चाहते हैं, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना चाहते हैं तो आपको आना होगा। एक कोटेशन है, हम चलें तो हिंदुस्तान चले, तो आप बढ़िए, हिंदुस्तान अपने आप बढ़ेगा। हमसे जो आपने बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।